हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज़, आज का सीन ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा गांव आपको घुमाता हूँ अपना, एंड उसके बाद हमें जाना है कुशीनगर, जो यहाँ पे एक जगह है, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे कुछ काम है तो पापा मैं हम सभी जाएंगे। तो अभी चलते हैं, गाँव घूमते हैं, चलो। सो गाइज, हम आ चुके हैं यहाँ पे, एंड अब दिखाता हूँ मैं आपको खेत वगैरह सारे। मेरे साथ है अमन, ये मेरे बड़े पापा का लड़का है, एंड ये और इसका नाम क्या था, आलोक। दोनों भाई हैं, बड़े पापा के लड़के। तो अभी देखते हैं, ये इनका खेत है, ये वाला ना पूरा। हाँ, ये वाला ये भी है, ये पूरा इनका खेत है, आगे भी इनका ही है। ये गुड्डू चाचा का है ना? हाँ, ये गुड्डू चाचा का, ये एक चाचा है उनका। मैं अपने वाले पे लेके चलता हूँ आपको। तो गाइस, अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना वाला खेत। अब पहले यहाँ पे खेत था हमारा शीशम के, अब मुर्गी फार्म बना दिया चाचा ने, तो वही देखते हैं। सो गाइस, ये है हमारा मुर्गी फार्म जो चाचा देखते हैं, अभी चाचा से मिलवाते हैं। ढक रखा है इधर से तो पूरा ठंड की वजह से। अभी अंदर चलेंगे तब दिखाऊंगा, बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, मेरे ख्याल से अराउंड 3,000 के आसपास हैं। चाचा की गाड़ी, एंड इसमें होती है मछली, इसमें मछली पालन होता है, तो मुर्गी और मछली पालन दोनों है। मछली दिखेगी नहीं शायद, मछली दिखेगी, मछली आएगी नहीं, मैं अंदर आएगी, अंदर है। और ये वाला पानी तो गंदा हो रखा था, इसमें तो वैसी नहीं दिखेगी। तो इन दोनों में मछली पालन होता है, उसमें मुर्गी, एंड ये यहाँ तक है हमारा खेत, वहाँ से जहाँ तक वो लग रखी है पूरा। देखें चाचा है या नहीं। सो गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको मुर्गियों का, जहाँ पे मतलब प्रॉपर होता है ना, कैसे होता है सब कुछ। तो अब चल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर कैसे होता है पूरा। ये देख लो मुर्गी, कितनी मुर्गी है यहाँ पे? 3,000। 3,000? 3,000 है। और ये खाने का है, अंडे वाला का है? अंडे अंडे कैसे आते हैं? अंडे यहाँ पर है, यहाँ पर ये सब अंडे हैं, ये सारे अंडे इसमें अपने आप आ जाते हैं ना, सारे अंडे निकल के वो लोग यहाँ से देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। पूरा सिस्टम कर रखा है भाई, ऑटोमेटिकली सारे अंडे आ जाते हैं नीचे। तो 3,000 से ऊपर मुर्गियां सारी। सो गाइस, ये था हमारा पूरा मतलब मुर्गी फार्म वगैरह। अब जा रहे हैं हम नहर की तरफ, तो वहां चलते हैं, पूरा देखते हैं कैसा है। मैं ही बहुत टाइम हो गया वहाँ नहीं गए, तो वहाँ जा रहे हैं, ये लेके चलेंगे मेरे को, फिर उसके बाद पूरे गांव की तरफ जाएंगे, पूरे स्कूल वगैरह देखते हुए। तो अभी चलते हैं नहर पे। सो गाइस, जो नहर है वो है थोड़ी दूर, तो अभी पैदल पैदल जा रहे हैं हम, एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है यहाँ पे, मतलब ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी, 20-22 के अराउंड हो रखा होता है टेम्परेचर। तो अभी चलते हैं वहाँ, एंड मज़ा आ रहा है काफ़ी यहाँ पे, दोनों साइड खेती खेत पूरे। काफ़ी टाइम बाद आए हैं इस जगह पे, अभी जैसे लास्ट लेटेस्ट ब्लॉग आपने देखा होगा मेरा, उसमें भी हम गए थे खेतों वाली जगह पे, आज अपने गांव में आए हैं, तो अपने गांव की बात अलग ही है। तो चलते अभी नहर पे, मिलते हैं फिर सीधा, चलो आगे चलते हैं। सो गाइस, बोरी नहर पर ज़ूम नहीं होगा, एंड यहाँ पे गन्ने वगैरह का वो होता है पूरा, कटाई चल रही है गन्ने की, मतलब गन्ने की खेती जो हो रखी थी वो अब कट रहे हैं गन्ने, धान बिकने के लिए जाएंगे अब सीधा पूरे, एंड वो ट्रैक्टर में भरा हुआ है, आगे से दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये रही गन्ना,
लेके जा रहे हैं ट्रॉली में भर के। ये क्या हो रखा है? गेहूँ। गेहूँ, ये पूरा गेहूँ है। सरसों है जिसका तेल कराता है। हाँ, सरसों कम हो रखे यहाँ पे। हाँ, वहाँ पर सरसों ज़्यादा। सो गाइस, हम आ चुके हैं नहर पे। एक ये नहर है छोटी, ये छोटी नहर है। जब बड़ी वाली भर जाती है तो इस पे सिंचाई के लिए यूज़ होती है वाली नहरें, मतलब हर खेतों में पानी चला जाता है यहाँ से। बड़ी नहर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पानी रहता है। इस टाइम तो कम होगा पानी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बारिश के टाइम पे तो पूरी भर जाती है, ऊपर तक लेवल पूरा ऊपर हो जाता है। दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है बड़ी नहर, पानी सूख चुका है इसमें इस टाइम पे। सर्दियों में इतना ही रहता है पानी, है ना, गर्मियों में पूरा वहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक ऊपर तक आ जाता होगा पूरा। और नॉर्मल तो उतना रहता है, जहाँ तक झाड़ियाँ नहीं है तब भरा ही रहता है गर्मियों में, बारिश के टाइम पे पूरी भर जाती है। ये बहुत बड़ी नहर है, बहुत दूर तक जाती है। ये थी बड़ी नहर हमारे गाँव की, बहुत लंबी नहर है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाती है। तो अब चलते हैं अपने गांव में, दूसरी तरफ घुमाता हूँ मैं आपको पूरा स्कूल वगैरह सब कुछ। चलो। सो गाइस, अभी हम आए हैं यहाँ पे गन्ने खाने, चाचा है यहाँ पे, चाचा के खेत है, चलते हैं फिर। सो ये हमारे चाचा हैं दूसरे वाले, ये गन्ने खेत में गन्ने तोड़ रहे हैं, इनके ख़त्म हो गया टाइम, मतलब हो गया इनका। यूट्यूब पे तोड़ तोड़ के दे। हाँ, ये मेरे लिए कटा है, ये वाला दे। गन्ने वगैरह खा लिए एंड पीछे देख रहे हो कितना पूरा प्रॉपर वो आ रहा है, सरसों का खेत बिल्कुल। तो जा रहे स्कूल की तरफ, मज़ा आ गया गन्ने खा के, बिल्कुल फ्रेश खेतों वाले। चलते हैं अब स्कूल की तरफ एंड इधर से घूमते हुए फिर घर चलेंगे, तो पूरा एक राउंड हो जाएगा पूरे घर का, गाँव का। चलो। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव खेत जोतना, जब होता है ना कैसे जोतते हैं ट्रैक्टर से। देखो, लाइव खेत जुताई हो रही है यहाँ पे ट्रैक्टर से पूरा, फिर इसमें जो भी फसल होनी होगी वो डालेंगे। तो अब चल रहे हैं आगे। सो गाइस, हम आ चुके हैं स्कूल में, ये गांव का स्कूल है एक सरकारी, जिसमें पढ़ते हैं छोटे बच्चे, छोटे बच्चों तक का ही है ना, है ना, पांचवी तक हो गई, पांचवी तक। पहले यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे हम, जब आते थे गर्मी की छुट्टियों में स्कूल टाइम पे, तो यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो सही हो गया। ये खड़े चाचा और बड़े पापा के लड़के, ये सब छोटे वाला। तो ये स्कूल है, काफ़ी टाइम बाद आया है तो मज़ा ऐसा आ रहा है। ये सुनील चाचा का छोटा लड़का है हमारे, क्या नाम है, नाम क्या है? आयुष। आयुष, आयुष नाम है इसका। तो ये स्कूल है, अब यहाँ से चल रहे हैं गांव की तरफ अंदर घर। सो गाइस, अब आ चुका हूँ घर, पूरा घूम लिया आपने, बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा। एंड अब चलते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, नहाते वगैरह एंड फिर जाते हैं, हमें जाना है कुशीनगर, वहाँ जाएंगे फिर वहाँ का दिखाता हूँ मैं आपको। चलो। सो गाइस, अभी हम आ रखे हैं, जो काम अभी कुछ काम है तो इसलिए आ रखे हैं हम, यहाँ पर कुशीनगर नाम की जगह है, वहाँ पर आ रखे हैं।
कल फिर आऊँगा, कल घूमेंगे यहाँ पे अच्छे से। तो अभी काम वाम निपटा के फिर चलते हैं घर। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर एंड टाइम हो रहा है 8:30 से ज़्यादा हो गया, मेरे को घर आने में लेट हो गया। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एंड ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करना है चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल द टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।